Hello students, we have completed 7 chapters. Today I will teach you 8th chapter, Karma Yogi Swami Keshavananda. आज हम स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. राजस्थानस्य रत्न गर्भेयम वसुंधरा धीरा नाम वीरा नाम लोक देवता नाम भक्ता नाम योगी नाम तपस्वी नाम सती नाम संता नाम चाहे खन्नी रस्ती. राजस्थान से मतलब राजस्थान की रत्न गर्भेयम यानी कि रत्नों से युक्त वसुंधरा यानी कि धरती, राजस्थान की रत्नों से युक्त धरती धीरा नाम यानी कि धीर, वीरा नाम वीर, लोक देवता भक्त, योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है. यानी कि राजस्थान की जो भूमि है वो रत्न से युक्त है और उस पर वीर धीर लोक देवता भक्त और योगी तपस्वी सती और संतों की खान है. कानी तानी रत्नानी, कानी तानी रत्नानी मतलब कि वे सब रत्न कौन से हैं. इति केनापि जिज्ञासते, यह कोई जानने की इच्छा करता है, ये जिज्ञासा करता है कि वे रत्न कौन से हैं. चेत तावती भूयसी, चेत तावती मतलब कि उनकी इतनी भूयसी यानी इतनी लंबी, तेसाम संख्या उनकी संख्या इतनी लंबी है कि यत कि सर्वेशाम नाम ग्रहणमपि न सुकरम, कि उन सबका नाम ग्रहण करना भी सरल नहीं है. अश्यामेव भूमो न अति चिरम, इसी भूमि पर न अति चिरम यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कुछ समय पूर्व ही जातस्य एकस्य, इसी परंपरा में एक नर रत्नस्य मनुष्य रत्न स्वामी ने केशवानंदस्य स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवनवर्त यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है कि इसी भूमि पर कुछ समय पूर्व ही इसी परंपरा में एक मनुष्य रत्न स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन वृत्त यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है. स्वामी केशवानंद के बारे में बताएंगे कि उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ. देखो लेसन, स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलुणा ग्रामे अभवत. स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, ये हिंदी महीने का नाम है पौष मास. पौष मास यानी कि जनवरी दिसंबर का टाइम होता है कि स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास के 1940 विक्रम संवत और ईस्वी 1883 में राजस्थान के सीकर जनपद के मगलुणा गांव में हुआ. अश्य पितुर नाम ठाकुर सी ढाका, इति मातुष नाम सारा इति आसीत. इनके पिताजी का नाम ठाकुर सी ढाका और इनके माता का नाम सारा था. बाल्य केशवानंद से नाम बिरमा इति आसीत और बचपन से बाल्यावस्था से उनका नाम केशवानंद का नाम बिरमा था. यदा ऐसे बालक सप्त वर्ष कल्पे आसीत, जब यह बालक 7 वर्ष की आयु में थे, तदेव तब ही उष्ट्रम एक आश्रित है ऊंट पर आश्रित रतनगढ़ स्थले रतनगढ़ स्थान पर जीवन यापनम कुर्वनश्य, जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगत है, पिता स्वर्गवासी हो गए. जब बालक बिरमा 7 वर्ष की आयु के थे तब ऊंट पर आश्रित यानी कि इनके पिता ऊंट वो चलाते थे, तो ऊंट पर आश्रित ऊंट पर रतनगढ़ के स्थल पर रतनगढ़ स्थान में पर जीवन यापन करते हुए और इनके पिता स्वर्गवासी हो गए. पितु प्रयाणात प्रागेव विपन्नतायाम सृष्टि ग्रहेषु गोधूम आदि पेषणम पात्र मार्जनम इति एव आदि भी कार्य यथा कथचित काल यापनम कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणात इतो अपि विपदा अभिभूता अभवत. देखो, पितु प्रणयात, प्रयाणात में सोते चले जाने पर, पिता के चले जाने पर प्रागेव पहले से ही विपन्नतायाम यानी कि विपत्तियों में श्रेष्ठ ग्रहेषु किसी श्रेष्ठ के घर पर गोधूम आदि यानी कि गेहूं आदि का पेशनम पीसना और गेहूं आदि को पीसना मात पात्र मार्जनम यानी कि बर्तन मांजना इति आदि आदि भी आदि कार्यों को यथा कथचित काल यापनम जैसे किसी भी आदि कार्यों को करते हुए जैसे किसी भी काल यापन समय व्यतीत करती हुई कुर्वती करती हुई अस्य बालस्य इस बालक की वराकी बेचारी माता इदानीम अब वैधव्य विधवा विद्वत जो वो उसके पति नहीं थे तो वो विधवा थी उसके वैधव्य और कारणात विधव्य के कारण इतो अपि यहाँ से भी विपत्ति अभिभूता अभवत विपत्तियों से अभिभूत हो गई और अधिक विपत्तियों से ग्रस्त हो गई. उसकी माँ के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि पिता के चले जाने पर पहले से ही जो विपत्तियों में ही थी यानी कि किसी सेठ के घर में बर्तन आदि मांजना और गेहूं आदि को पीसना आदि कार्यों को करते हुए जैसे कैसे भी अपने समय को व्यतीत कर रही थी, लेकिन अभी अपने जो बालक की माता है अभी और ज़्यादा अपनी विधवा होने के कारण वो और ज़्यादा विपत्तियों से ग्रस्त हो गई.
उच्चते ही और कहा भी जाता है छिद्रेशु अनवर्था बहुली भवंती। छिद्रेशु मतलब कि कमजोरियों में अनर्था बहुली भवंती, मतलब इनकी बढ़ जाती है, कमजोरी आती है, जब परेशानियां आती है तो उसमें और परेशानियां बढ़ती ही है, कम नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कमजोरी में या फिर परेशानी में और मुसीबतें बढ़ जाती है। इदानीम मातु सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीम अब मातु सहयोगाय माता के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन बिरमा बालक के द्वारा गोचारण गाय चराना कार्य आरब्धम कार्य आरंभ किया गया। अब माता के सहयोग के लिए बिरमा बालक के द्वारा यानी कि केशवानंद के द्वारा और माता के सहयोग के लिए गाय चराना शुरू किया। तदानीम अंतने दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्ग सामंता नाम राज्ञाम नवाब संज्ञा का नाम व वैदेशिका नाम चे शासका नाम त्रिविधे दासता पंजरे आबद्ध आसी। तदानी इंतने मतलब उस समय दीनहीन है, दीनहीन यानी कि गरीब जो किसान थे, ग्रामीण है कृषक वर्ग, यानी कि उस समय दीनहीन ग्रामीण किसान वर्ग श्रमिक वर्ग, किसान ग्रामीण और श्रमिक वर्ग, सामंत राजा और विदेशी शासकों, इन तीन तरह की दासता से, तीन तरह के दासता के पिंजरे में बंधे हुए थे। उस समय जो गरीब लोग थे, ग्रामीण किसान लोग थे, श्रमिक लोग थे, वो तीन प्रकार के पिंजरे में बंद थे, गुलामी में, उनकी गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे। कौन कौन थे? उनके सामंत राजा और विदेशी शासकों, इनसे अपना जीवन, इनके साथ में उनकी गुलामी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनके पिंजरे में एक प्रकार से बंद थे। रौरव नर्क प्रायम ही तेषाम जीवनम आसीत। उनका जो जीवन था रौरव नर्क के समान था। रौरव एक नर्क का नाम है जहाँ पर भयंकर जो होती है विपत्तियाँ होती हैं, तो उनका जीवन भी रौरव नर्क के समान था। अयम पुनः है गंडस्य ऊपरी पिटक है, यह फिर से, गंडस्य ऊपरी पिटक मतलब फोड़े पर फिर से एक फुंसी जैसे, फोड़ा पहले से बना हुआ है उस पर एक और फुंसी हो गई इस प्रकार से, कि यह फिर से ही फोड़े पर फुंसी के समृत समान हो करके कि भयंकर और दुर्भिक्ष काल है समापन है, कि भयंकर अकाल का समय आ गया। कि दुर्भिक्ष काल है मतलब क्या होता है? अकाल का समय। पहले से समस्याएं कम नहीं थी और समस्या बढ़ने के कारण अब अकाल भी आ गया। छप्पनिया अकाल है इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मीन तारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारम अपि दुर्भम आसीत। छप्पनिया अकाल के नाम से क्यों ख्यात विक्रम संवत 1956 में तस्मीन उस समय भयंकर दारुणे मतलब भयंकर दुर्भिक्षे इस अकाल में प्राण धारम अपि प्राण धारण करना भी दुर्भर आसीत, दुर्भर था, बहुत ही कठिन था। छप्पनिया अकाल के नाम से क्यों ख्यात? विक्रम संवत 1956 में जो उस समय का भयंकर जो अकाल था उसमें प्राण धारण करना भी अत्यंत मुश्किल था। चतुर्दिक्षु जलम नेव चारों दिशाओं में जल नहीं था, अन्नम नेव अन्न भी नहीं था, तृणम नेव तिनका भी नहीं था, चारों दिशाओं में जल नहीं था, तिनका भी नहीं था और उसमें अन्न जल और तिनका नहीं था। आसीत केवलम, आसीत मतलब था, केवलम केवल क्षुति पासयो अखंडम साम्राज्य, क्षुति पास यानी कि भूख प्यास से पीड़ित अखंड साम्राज्य, संपूर्ण साम्राज्य था जो कि भूख और प्यास से पीड़ित था। प्राणी नाम आर्त नाद अश्च, कि प्राणियों के दुखी होने की आवाज़ थी, प्राणियों की आर्त की आवाज़ थी, उनकी दर्द भरी सिर्फ आवाज़ थी। चारों तरफ पानी नहीं था और जो अन्न भी नहीं था, और अगर कुछ था तो वो क्या था? भूख और प्यास से पीड़ित जो लोग थे उनका अखंड साम्राज्य था और प्राणियों की दर्द भरी आवाजें थी। समी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्य यथा कथचित प्राणान रक्षितवंत। समी वृक्षाणाम यानी कि जो खेजड़ी आदि के जो वृक्ष होते हैं उनकी त्वचम खाल को और भरुट संज्ञक यानी कि भरुट नाम की घास होती है उसको खा करके, खादित्वा खा करके मनुष्य है, मनुष्य यथा कथचित जैसे कैसे प्राणानान रक्षितवंत है, अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खेजड़ी आदि जो वृक्ष की छाल को या खाल को और भरुट नामक घास को खा करके मनुष्य अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहे थे, अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशु है प्राय काल कवलित है, पशु भी प्राय काल कवलित हो गए थे यानी कि अधिकतर पशु थे वो खत्म हो गए थे, उनकी मौत हो गई थी। तो एतौ माता पुत्रों ये दोनों माता और पुत्र भी जनपदात जनपदम नगर से नगर ग्रामात ग्रामम च और गांव से गांव अटंतो घूमते हुए आस्ताम रहे। ये दोनों माता और पुत्र भी इधर गांव से गांव नगर से नगर इधर से उधर घूमते रहे। अस्मिनेव अवांतरे इसी बीच सततम लगातार दुर्भिक्ष प्रतारणे अकाल से पीड़ित जर्जरिता यानी कि क्षीण हो गई बलवद अस्वस्था और अत्यंत अस्वस्थ चय बिरमा जन्य अपि बिरमा की माता भी षोडश वर्ष देशोयम
16 वर्ष की आयु में इमम किशोरम इस किशोर को अकेलम अकलम यानी कि अकेला विहार छोड़ करके दिवम प्रयाता यानी कि स्वर्गवासी हो गई। इसी बीच लगातार अकाल से पीड़ित होती हुई क्षीण और अत्यधिक अस्वस्थ बिरमा की माता भी 16 वर्ष की आयु में इस किशोर को अकेला छोड़ करके और दिवंगत हो गई, स्वर्गवासी हो गई। देखो बिरमा के जो पिताजी थे वो 7 वर्ष की आयु में इसको छोड़कर चले गए थे और इसकी माता जो है वो 16 वर्ष की आयु में इसको छोड़कर चले गए थे। अब देखो आगे केशवानंद के जीवन में क्या होता है। तदंतरम अकेलो अपि सन असार संसार दुख दामानल द्वितीय क्षुति पाशार्दत है बिरमा उत्तर श्याम दिशी अज्ञाते पति अहिंड माने पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। तदंतरम उसके बाद अकेलो अपि यानी कि अकेले सन होते हुए, अकेले होते हुए भी असार संसार, असार इस संसार में, इस संपूर्ण संसार में दुख रूपी इस दावा अग्नि में द्वितीय है यानी कि मित्र, जिसकी जो मित्र है वो ये दुख रूपी जो दावा अग्नि थी यही उसका द्वितीय का मतलब यहाँ पर मित्र से है, सखा से है कि जो दुख रूपी इस संसार में, असार संसार में, संपूर्ण संसार में दुख रूपी दावा अग्नि जिसकी मित्र थी क्षुति पाशार्दत है भूख और प्यास से पीड़ित बिरमा उत्तर श्याम दिशी उत्तर दिशा में अज्ञाते पथि अनजान रास्ते पर अहिंड माने हैं घूमते हुए पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है, पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचे। इस संसार में घूमते हुए जिसका मित्र कोई नहीं था, सिर्फ दुख रूपी जो दावा अग्नि थी जिनका मित्र बनी हुई थी और जो क्षुति पाशार्दत भूख और प्यास से पीड़ित थे, वो बिरमा जो है केशवानंद जो है उत्तर दिशा में घूमते हुए पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचे। तत्र केनापि कृपालुना आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयम बिरमा रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च युगपत दर्शनम इदं प्रथमया अकरोत्। तत्र केनापि वहां पर किसी कृपालु के द्वारा, दयालु के द्वारा आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम प्रवेश कराया गया, बिरमा का प्रवेश कराया गया वहां पर किसी दयालु के द्वारा और किसी अनाथालय में बिरमा का प्रवेश करवाया गया। रोटिकाया अक्षर ज्ञान से, रोटी का भोजन का और अक्षर ज्ञान से यानी कि अक्षर ज्ञान का या पढ़ाई का एक साथ युगपत यानी एक साथ दर्शन इदम प्रथमया अकरोत। अक्षर ज्ञान का और भोजन का एक साथ इन्होंने पहली बार ही इन्होंने दर्शन किया था। अगर खाने को भोजन था तो पढ़ने के लिए कुछ नहीं था और पढ़ने जाना था तो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने पहली बार एक साथ भोजन का और पढ़ाई का एक साथ ही दर्शन किया। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु आसीत। यही अवे अयमेव यानी कि यही एक पशुचारक का, पशु चराने वाले के लिए महापुरुषत्व, महापुरुष के प्रति, महापुरुष की ओर यात्राया प्रस्थान बिंदु, यात्रा की तरफ का प्रस्थान बिंदु था, शुरुआत का बिंदु था। किसी पशु चराने के लिए यह ही उनके लिए प्रथम उनका बिंदु था। अत्र तस्य यहाँ पर तस्य हृदि यानी कि उनके हृदय में संस्कृता अध्ययनम इच्छा अंकुरिता। ठीक है, अब यहाँ पर उनके हृदय में संस्कृत पढ़ने की इच्छा अंकुरित हुई यानी कि उनके हृदय में संस्कृत पढ़ने के लिए इच्छा उत्पन्न हुई। जिज्ञासिते सती कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम। उनके जिज्ञासिते सती मतलब जिज्ञासा होने पर कथितम उनसे ये कहा गया कि जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, तुम जाट को संस्कृत कहाँ से उपलब्ध होगी, अर्थार्थ नहीं हो सकती, किसी ने उनसे ये कह दिया। संस्कृतम इच्छसी चेत साधुर्भव, अगर संस्कृत की इच्छा करते हो तो साधु बन जाओ। तदनु 1961 तमे विक्रम अब्दे फाजिलका नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदाय से स्वामी कुशलदास से शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। इसके बाद तदनु यानी कि उसके बाद 1961 विक्रम संवत में ईश्विथाग 1904 फाजिलका नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व को और साधुत्व को उन्होंने अंगीकार किया यानी कि स्वीकार किया। उसके बाद में 1961 विक्रम संवत में फाजिलका नगर में संस्कृत के अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व यानी कि कुशलदास के वो शिष्य बने, उनके साधुत्व को ग्रहण किया। तत्र गुरुमुख लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठम अधिगतम। वहाँ पर उन्होंने गुरुमुख लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब के पठन के लिए निपुणता प्राप्त की, पाठम अधिगतम यानी कि निपुणता प्राप्त की। वहाँ पर उन्होंने गुरुमुख लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब इसी के पठन के लिए निपुणता प्राप्त की। आगामिनी वर्षे आने वाले वर्षों में प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। आने अगले वर्ष में प्रयाग के कुंभ मेले में एक किसी महात्मा के द्वारा इन्हें स्वामी केशवानंद ऐसा नाम दिया गया, इनको ये उपाधि, तब से लेकर इनका नाम स्वामी केशवानंद पड़ा। गुरुवाज्ञा गुरु की आज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च पीयूषितम। कि गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु की आज्ञा के द्वारा संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार में और अमृतसर में वे रहे, उचित मतलब रहे।
गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए वे हरिद्वार और अमृतसर में भी रहे। देशाटनम कुर्वता, यानी कि देश देश में घूमते हुए, देशाटन करते हुए, देश भ्रमण करते हुए, नगरानाम नगरों की, तीर्थानाम तीर्थों की, मंदिरानाम मठानाम आश्रमानाम विद्यालयानाम विश्वविद्यालयानाम पुस्तकालयानाम संग्रहालयानाम वनानाम पर्वतानाम नदीनाम ऐतिहासिक स्थलानाम च अध्ययनम अपि कृतम्। यानी कि देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी के द्वारा नगरों की, तीर्थों की, मंदिरों की, मठों की, आश्रम की, विद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, पुस्तकालयों की, संग्रहालयों की, वनों की और पर्वतों की, नदियों की और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी, इन सब चीज़ों का भी उन्होंने हर देश में घूमते हुए इन सब चीज़ों का साथ में भी अध्ययन किया। स्वशिष्य गुण गण महिमना परम प्रीतय गुरु कुशलदास है स्वजीवित काले एव आश्रम से स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान। अपने शिष्य के गुणगण यानी अपने शिष्य के गुणों की महिमा को देख करके परम प्रीतय अत्यंत प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने स्वजीवित काले अपने जीवन काल में ही आश्रम से स्वामित्व आश्रम का जो स्वामित्व था केशवानंदाय केशवानंद को दे दिया गया, केशवानंद के लिए दिया और गुरुपीठे चैतम प्रतिष्ठापितवान और गुरुपीठ पर भी उन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया। अपने शिष्य के गुणों की महिमा से प्रसन्न होकर के स्वामी कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही अपने जो गुरुपीठ अपने आश्रम का जो स्वामित्व था वो केशवानंद को दिया और गुरुपीठ पर भी उन्हें प्रतिष्ठापित कर दिया, यानी कि उन्हें गुरु बना दिया। परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार सज्जनों की जो संपत्तियाँ होती है वो परोपकार के लिए होती है। इति दिया, इसी विचार से समृद्ध मठस्य समृद्ध मठ के विभूति नाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्य आरब्धम। कि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती है, इसी विचार के साथ समृद्ध मठ की जो संपत्ति थी उसका उपयोग करके उर्दू प्रधान जहां उर्दू चलती थी उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य प्रारंभ किया। जहां उर्दू प्रधान थी लेकिन फिर भी वहां पर मठ की जो संपत्ति थी उसका उपयोग करके और वहां पर राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इति आख्ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभम कृतः। प्रारंभ में उन्होंने आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इस नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय प्रारंभ किया। प्रारंभ में उन्होंने आश्रम में ही क्या प्रारंभ किया, वेदांत पुष्पवाटिका नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय प्रारंभ किया। पश्चात तत्र एव उसके बाद वहाँ पर एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, उसके बाद वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की, शुरुआत की। अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा, और अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा की प्रारंभ की। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इति आख्य संस्थापी आरब्धा या ही रविन्द्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतनम उपासित यन माध्यमेन चय ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानाम चल पुस्तकानाम सत साहित्य से प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला की स्थापना की और अबोहर क्षेत्र में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। और उसके बाद देखो जन सहयोग के लिए, लोगों के सहयोग के लिए साहित्य सदन अबोहर इस नाम से वहाँ पर एक संस्था प्रारंभ की। किस नाम से, साहित्य सदन अबोहर के नाम से वहाँ पर, या ही मतलब जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन के समान वो संस्था उनकी चलती थी। यन माध्यम है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने पंचविंशति यानी कि 25 विद्यालयों की, चल पुस्तकालयों की और अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए एक प्रेस यानी उसका नाम था दीपक प्रेस की स्थापना हुई। साहित्य सदने एवं स्वामिना त्रिशततमम अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम आयोजितम। और साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। साहित्य सदन में ही स्वामी जी के द्वारा 30वें अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी के द्वारा हिंदी सेवा के कारण स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इति उपाधि द्वयम् प्रदत्तम। हिंदी सेवा के द्वारा स्वामी जी को हिंदी के प्रचार के लिए या हिंदी का जो उन्होंने इतना राष्ट्रभाषा का प्रचार किया उसके लिए उनको दो उपाधि दी गई, साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरवम। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतदासीत।
केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्य का एक सुफल, अच्छा फल यह था, अच्छा परिणाम यह था, यद्यपि देश विभाजन काले, देश के विभाजन के समय पंजाब से फाजिलका क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात वारितम, यानी कि देश विभाजन के समय पंजाब के फाजिलका क्षेत्र को पाकिस्तान ने पाकिस्तान में गमनात जाने से वारितम रोक लिया गया। उनके हिंदी प्रचार का एक फायदा यह हुआ, एक लाभ हुआ कि अच्छा परिणाम ये हुआ कि जब देश का विभाजन हुआ तब वहाँ पर पंजाब के फाजिलका क्षेत्र को पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वारं वर्षाणी यावत कारागरे अस्वपि निबद्ध है। स्वतंत्रता आंदोलन के में सक्रिय होने के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका निभाने के कारण स्वामी केशवानंद अनेक वारं, स्वामी केशवानंद अनेक बार अनेक वर्षों तक यावत यानी तक कारागरेष्वपि, कारागर में यानी कि जेल में भी बंद रहे, कारागार में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थानम कृतम, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करते हुए स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इस संस्था की भी स्थापना की गई। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत परिश्रम करते हुए कृत भूरि परिश्रम बहुत परिश्रम से स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया में इसकी स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में तेन उपत्रिशंत शिक्षाशाला उपपचांस्त छात्रावासा स्थापिता, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा उपत्रिशत यानी कि लगभग 300 ठीक है और शिक्षाशाला की और उपपचांस्त यानी कि लगभग 50 छात्रावासों की स्थापना की गई। शिक्षा क्षेत्रे स्वामी ने श्रम है, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी के श्रम को पंडित मदन मोहन मालवीय से पुरुषार्थम स्मारयति, शिक्षा के क्षेत्र में इस स्वामी केशवानंद का जो परिश्रम है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के परिश्रम की याद दिलाता है। योग्यमेव स्वामी वर्य, योग्य स्वामी जी महोदय, वर यानी महोदय, योग्य स्वामी महोदय शिक्षा संत इति विरुदेन भूषित है, योग्य स्वामी जी को शिक्षा संत इस उपाधि से भी विभूषित किया गया। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को हम रीड करेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आप इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे, ये लेसन है जो लेसन में इसका अनुवाद आता है, लगभग इसमें से पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।